वेलकम टू हेवनली डिशेस गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दोस्तों ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया था ताकि जो इजी रेसिपीज मुझे आती हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। एंड आई एम ग्लैड यू पीपल आर अप्रिशिएटिंग माय वर्क। इसी के चलते आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लाई हूँ पनीर से बनी बेहतरीन सब्जी, जिसका नाम मैंने रखा है स्पाइसी मलाई पनीर। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ये कम समय में कितनी इजीली बन जाती है। लेट्स स्टार्ट। मलाई पनीर बनाने के लिए मैंने 4 प्याज और 200 ग्राम पनीर को क्यूब्स में काट लिया है। साथ ही मैंने 1 कप मलाई में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं और ये कुछ ऐसा बन गया है। अब हम पनीर को इस पेस्ट में डालकर इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। देखिए पनीर पर अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। अब हम इन पीसेस को घी में डालकर फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच घी लिया है। हम इन्हें बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों इसके बाद हम 2 बड़े चम्मच तेल गरम करके इसमें 2 टुकड़े दालचीनी के डाल देंगे। साथ ही हम कटी हुई प्याज और आधी कटोरी भुनी हुई मूंगफली डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम मूंगफली और प्याज दोनों को एक जार में डालकर पीस लेंगे। पिसने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हमने प्याज के साथ मूंगफली भी ऐड करी थी जिसकी वजह से इसका कलर ग्रे हो गया। अब हम 2 चम्मच घी को गरम करके इसमें 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 इलायची को डाल देंगे। अब हम इसमें जो प्याज और मूंगफली का पेस्ट बनाया था उसे डालेंगे। अब हम इसे चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। गाइस हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे करके पकाएंगे तो ये उछलने लगेगा और आपको छींट लग सकती है, इसलिए ध्यान रखिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही चलाएं। अब हम इसमें 1-1 चम्मच गरम मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और देगी मिर्च डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे।
देखिए इसका कलर थोड़ा सा रेड हो गया है और ये खदकने भी लगा है। एंड मेक श्योर मीडियम फ्लेम ही रखना है। अब हम इसमें 100 ग्राम खोया ऐड करेंगे। खोया मिलाने से इसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे ताकि खोया पूरी तरह से मिक्स हो जाए। खोया मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें एक कटोरी मलाई डाल के इसे चला लेंगे। अब मैं इसमें आधा चम्मच काला नमक और एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कीजिए, लेकिन काला नमक आधा चम्मच ही रखना। गाइस अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। देखिए अब ये खदक रहा है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें आधा ग्लास दूध डालकर इसे चलाते रहेंगे, बट मेक श्योर के बीच में रुकना नहीं है क्योंकि दूध फटने का डर है, इसलिए इसे हम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे जब तक ये पक ना जाए। इसमें उबाल आ चुका है, इसका मतलब अभी पक चुका है। उसके बाद जो हमने पनीर के पीसेस फ्राई किए थे उसे डालकर हम इसमें मिला लेंगे और 2-3 मिनट तक इसे ऐसे ही उबलने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स अब हमारा मलाई पनीर बनकर तैयार हो गया है एंड इट्स लुकिंग क्वाइट टेस्टी। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मैं जल्दी वापस आऊंगी आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर। टिल देन टेक केयर।